स्वागत है और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन में आज हमारा मेन टॉपिक है वो है क्यूब रूट, घनमूल, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन क्या है कि इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक, मिनिमम 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब लर्न होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इसमें से देखकर इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है देखिए, हम एक नंबर लेते हैं 9261 और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इस नंबर के पीछे से 1 2 3 3 3 के पेयर बनाते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब पहला एक पेयर तो हमारा कंप्लीट बन जाता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे पेयर पर जाते हैं वो कंप्लीट नहीं बनता, तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो 1 डिजिट का भी बन सकता है, 2 डिजिट का भी बन सकता है और 3 डिजिट का भी बन सकता है। अब हमारे यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो 2 डिजिट का होगा। अगर 3 पेयर बनते हैं तो हमारा आंसर 3 डिजिट का होगा। 3 डिजिट का क्यूब रूट कैसे निकल कर आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि 2 डिजिट वाले आंसर कैसे निकल कर आते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसको पूरे को ढक लेना है और लास्ट में देखना है कि 1 को ये देखना है कि 1 किस नंबर के क्यूब के लास्ट में आता है। अब यहां से लेके यहां तक देखते हैं तो 1 कहां पर आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है 1 किसके क्यूब में, 1 के क्यूब में। तो यहां पर हम 1 लिख देंगे 1 में। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, ये जो हमारा जो फर्स्ट पेयर था 9, अब 9 को देखना है कि देखो ये 8 है और ये 27 है, 27 ज्यादा हो जाता है तो 8 पर जाएंगे, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसके नीचे 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, अब एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं 13824, इसका क्यूब निकालते हैं। इसका क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, 824 इसका एक पेयर बन जाएगा और जो नेक्स्ट पेयर बनेगा वो हमारा 313। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि 4 किसके क्यूब के लास्ट में आता है। यहां से लेके यहां तक क्यूब जो 4 आ रहा है वो आ रहा है हमारा 64 में और 64 क्यूब किसका है, 4 का, तो यहां पर हम 4 लिख देंगे। ठीक, और फर्स्ट पेयर पे जाते हैं, फर्स्ट पेयर क्या है हमारा 13। अब इस 13 को क्या चेक करना है, ये सबसे मेन है कि किस तरह से चेक करना है, किस तरह से चेक करना है ये देखते हैं। देखिए 8 और 27, अगर 13 जो आएगा हमारा 8 और 27 के बीच में ही कहीं होगा। ठीक है, तो 27 तो ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा की तरफ नहीं जाते हम, कम वाले की तरफ चले जाते हैं, और कम क्या है 8 और 8 का जो क्या है 2, तो हमारा जो आंसर बन गया आएगा वो 24। बहुत इजी मेथड है, मैं मानता हूं 2 या 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि नंबर ले लेते हैं क्या है कि 175616, इसका क्यूब निकालना है हमें, तो क्या करेंगे वही सेम, देखिए यहां पर कंप्लीट पेयर बन गए, एक पेयर ये कंप्लीट बन गया, ये पेयर कंप्लीट बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बनते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बनता है तो भी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखेंगे 6 कहां पर आएगा, 216 है, 216 किसका है, 6 का क्यूब, तो यहां पर 6 लिख देंगे। स्टार्टिंग में 175 पेयर, 175 हमारा कहां पर होगा, 125 और 216 के बीच में होगा। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि हम हमेशा कम वाले की तरफ जाएंगे, 125 किसका है, 5 का, तो यहां पर लिख देंगे हम 56, ये 56 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, नंबर ले लेते हैं 970299, इसका क्यूब निकालना है, मान लीजिए तो क्या करना है, 299 ये एक पेयर हो गया, 970 ये एक पेयर हो गया, तो लास्ट में क्या है 9 कहां पर है, ये देखिए सबसे नीचे 729 किसका क्यूब है, 9 का, तो यहां पर भी आप 9 लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या चेक करना है, 970 कहां पर आएगा, तो 729 और 1000 के बीच में आएगा, तो 1 इनके बीच में आएगा, तो मैंने पहले बताया कि पहले वाले की ही तरफ जाएंगे, कम वाले की तरफ जाएंगे, तो किसके तरफ जाएंगे, 9 की तरफ, तो यहां पर आएगा 99। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्यूब रूट बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से सेकंडों में, मैं मानता हूं 3-4
मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।